कर्नाटक में गरमाया सीमा विवाद, बेलगावी में हुआ हिंसक प्रदर्शन, महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव। ये नजारा है कर्नाटक के बेलगावी के बागेबाड़ी का, जहां पर कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ गया है। मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी के बागेबाड़ी में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र नंबर वाले ट्रकों पर पथराव किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सख्ती बरती और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दरअसल बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, जबकि महाराष्ट्र राज्य बेलगावी पर अपना दावा करता रहा है, जिसके चलते इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद बढ़ने के बाद पुलिस बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इन सब के बीच मंगलवार को बेलगावी के बागेबाड़ी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान महाराष्ट्र नंबर प्लेट वाले ट्रक को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्रियों के बेलगावी दौरे पर जाने की बात सामने आई, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार ने एतराज जताया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि सीमा पर दोनों राज्यों के बीच मौजूदा स्थिति के बीच बेलगावी का दौरा नहीं होना चाहिए, इससे सीमा पर स्थिति और बिगड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने प्रदर्शन पर कहा है कि राज्य और उसके लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। चलते चलते फिर देखिए सीमा विवाद को लेकर बेलगावी में हंगामा। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।